जिस तरह का परवर्तापूर्ण लाठी महिलाओं पर चली है, महिला सशक्तिकरण यही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिहार में जमीन अधिग्रहण है। यहाँ के जो नेता है इसको एक्सप्लॉयटेशन का जगह बना लिया है। किसान जिस अधिकार की बात 14, 15, 13, 14 की कर रहा है, मुआवजा किसान को उसी 13-14 के आधार पर हो। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के बक्सर में किसान जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और बता दें आपको कि किस तरीके से वहां पे मौजूद किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, और इतना ही नहीं महिलाओं के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई, जिसके समर्थन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बक्सर पहुंचे हैं और साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों, बच्चों और महिलाओं के ऊपर जो इतनी बर्बरता के साथ लाठी चार्ज हुई वो कहीं से भी सही नहीं था, और कहा कि सरकार को झुकना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए, और जो किसान अपने मुआवजे को लेकर मांग कर रही है उनकी मांग को भी मानना चाहिए। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे पप्पू यादव, सुनिए। पहले तो एक बात सवाल है कि पॉलिसी क्या होगी फैक्ट्री आने का। एक तो किसान अब बचे नहीं, बट्टेदार है, दयारी मजदूर है, बंधुआ मजदूर है। 2 बीघा, 1 बीघा, 1.5 बीघा, 1 कट्ठा, 1.25 बीघा, 10-20 बीघा वाले जमीन वाले अब लोग नहीं है। पहले तो हमको यह समझना होगा कि जहां से आप जिंदगी प्यार का बनाना चाहते हैं, वहां सबसे पहले लैंड पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिहार में जमीन अधिग्रहण है, और वो यदि केंद्र सरकार हमें मुआवजा नहीं देती है तो बिहार सरकार को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। एक दूसरी चीज, टैक्सेस में बिहार सरकार को कंप्लीट रूप से अपने पॉलिसी को लूजर करनी चाहिए। टैक्सेस हमारे इतने हैं, और उसके बाद जो टैक्स है, बिजली टैक्स, रोड टैक्स, गुंडा टैक्स, नेता टैक्स, माफिया टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, मतलब इतना टैक्स है कि पूरे भारत की एक भी फैक्ट्री बिहार आना नहीं चाहती है। 14-15 सालों में, 20 सालों से अभी तक सरकार डबल इंजन की थी, एक पूंजी निवेश नहीं हुआ। सर किसको बोलेंगे, बिहार की जीडीपी का पैसा नहीं मिलता। किसानों को यदि आप 36 लाख 46 लाख रुपया बीघा आपने किया तो 24 लाख मुआवजा पर कैसे हरे। किसानों को आप रोजगार देने की बात किए कि हम यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देंगे, आप टेक्निकल लोगों को बाहर से लाइए, लेकिन जो वेंडर है, गेट पर है, लेबर है या अन्य, थोड़ा सा तो आपको। और इस इलाके में जो किसान जिसके बच्चे कंप्लीट रूप से टेक्नीशियन है, कंप्लीट रूप से वो एक बेहतर पढ़ाई करके बैठा है, तो उसको आप रोजगार में प्राथमिकता दीजिए। आप दुनिया में बाहर से उठा के ले आइएगा। पप्पू यादव बक्सर में अभी 5 बार जा चुका है, अभी जस्ट अभी एक बगल में एक घटना, बगल में एक मर्डर, मगर बताया जा रहा है कि सीओ जो है वो, अरे बोलने दो सर, मैं पहले उनसे न पूछिए। जो लोग यहाँ इतने बड़े प्लांट में बड़े बड़े नेताओं के माफिया बैठे, लेकिन 88 दिनों से आप लोग कहाँ थे सर? आप लोग पप्पू यादव से क्या पूछ रहे हो? आप अपने नेता से, अपने प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री से, और अपने एमपी एमएलए से ना पूछिए। पप्पू यादव से आपको पूछने का राइट है क्या? पप्पू यादव तो हर दिन बक्सर में 7 बार अभी मर्डर में आया हुआ है। सर किसान कह रहे हैं कि अभी दिनों से, मैं वही बात कर रहा हूँ। बोलने दो यार, मैं तो लगातार इन सवालों को लेकर के, आप अभी बगल में एक बड़ी घटना घटी, इन सवालों को लेकर के लगातार हम बिहार के फार्मर्स के इशू पर, जब पूरा देश 9 महीना बैठा हुआ था, तो ये 9 महीना सबसे पहले बिहार से एक ही आवाज था, पप्पू यादव। जब एमएसपी की बात थी तो पप्पू यादव, जब बंद। किसको दोषी मानते हैं सर? किसको दोषी मानते हैं आप इस पूरे मामले में? सर इसमें हिस्सेदार बराबर के, यदि मुआवजा हमें नहीं मिली तो सरकार को लिटिगेशन बढ़ाने का मतलब क्या था? और जब मुआवजा आप तय कर लिए, सही कह रहा है किसान, हमको वर्तमान में जो जमीन का, जो यहाँ के जो आप जिस वक्त हमारी जमीन आपने लिया और जिस 13-14 वाला, तो आप 13-14 का नहीं दे करके, और आप ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है, आप बार बार कह रहे हो कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया।
तो जो यहाँ के सीनियर पदाधिकारी हो बताएंगे ने कौन नहीं दिया कौन दिया, आप चुप क्यों हैं? अच्छा लगातार यहाँ के जो नेता है इसको एक्सप्लॉयटेशन का जगह बना लिया है, ये कंपनी ठेकेदारों का लूटने का, पैसा ओझाई का, पैसा ले जाने का, हर परिवार में कोई भी यहाँ पर जग होगा, शादी ब्याह होगा, यहाँ से टैक्स ले लो, उनका टैक्स ले लो, धन्यवाद सर, भीड़ लगी हुई है, नेता टैक्स ले लो, जो टैक्स लेना हो ले लो, मैं एक आलोचना नहीं करूंगा, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जिस तरह का बर्बरतापूर्ण लाठी महिलाओं पर चली है या सीसीटीवी कैमरा के बारे में उन्हें नहीं पता था, उस थाना प्रभारी ने जितने दिन यहाँ बिना पद के रह कर पैसा उगाही कर पैसा ले करके जिस तरीके से माफिया और प्लांट के जो ऑर्गेनाइजर है उसके साथ खड़े हो करके किसानों पर दमन किया है, उसकी नौकरी बर्खास्त, ठेकेदारी भी चल रही थी क्या आप? ठेकेदारी हाँ, भाई ठेकेदारी तो ठेकेदारी से बड़का यहाँ तो सवारा माफिया बैठल है, सब नेता का रिश्तेदार और पदाधिकारी का रिश्तेदार माफी कर रहा है। क्या कार्रवाई होनी सर? बर्खास्त करनी चाहिए, FIR लॉज होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण यही है। तो केवल पुलिस वालों उन पर जो आदेश दिए हैं वो उनको प्रशासनिक अधिकारी क्यों बच रहे हैं? मैंने कहा थाना प्रभारी आदेश जिसने दिया क्या लिखित आदेश दिया था? क्या लिखित ऑर्डर है? मार कौन रहे हैं? जितने पदाधिकारी हैं मारे वो, और जिन लोगों ने जो सिविल कर्मचारी है वो, तो सिविल कलेक्टर क्या कर रहे थे इतने दिनों से, जो 80-80 दिनों से मामले को लिटिगेशन करवाए जा रहे थे, तो कार्रवाई कंप्लीट रूप से। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी BSSC पर लड़ाई हम, अभी लाठी हम पर चली, अभी अमीन वाले में LRC वाले में लाठी पप्पू यादव पर चली, पटना में अभी जो धरना हुआ अमीन वाला उस पर पप्पू यादव को आपने गिरफ्तार किया, लगातार कभी रोजगार के लिए कभी किसान के लिए लाठी, तो ये नहीं चलेगा, इसकी पूरी जांच CID से हो और जो जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है वो सब के सब उस पर FIR हो, उसका सस्पेंशन हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो। और किसान जिस अधिकार की बात 14-15, 13-14 की कर रहा है, मुआवजा किसान को उसी 13-14 के आधार पर हो, और जो बाजार बनाने की बात थी, लोकल रोजगार देने की बात थी और इस इलाके को डेवलप करने की बात थी, प्लांट उस पर अमल करे और सरकार इसमें समझौता करके किसान को अविलंब मुआवजा दे, ताकि किसान और जो केस हुए हैं दमन किसान पर वो केस किसान से उठाए। तो आपने सुना कि किस तरीके से पप्पू यादव उन किसानों के समर्थन में उतरे हैं, और जैसे ही महिलाओं के साथ लाठीचार्ज हुई है, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, किसानों के ऊपर, उनके समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिन जिन अधिकारियों ने ऐसी बर्बरता दिखाई है उन्हें तुरंत जो है वो निष्कासित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, और इतना ही नहीं उन पर FIR दर्ज भी होनी चाहिए। और ऐसे सरकार को लेकर भी पप्पू यादव ने कहा कि जरा नीतीश सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर जो किसान अपनी मांग रख रहे हैं उन्हें किसी भी हाल में पूरा करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही, बाकी के खबरों के लिए देख रहे लाइव स्ट्रीम्स, धन्यवाद।